नमस्कारम, मेरा नाम मेघा गंगराड़े है और मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ योगा के कुछ नए आसनों के साथ। आज हम वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि आसनों से हम कैसे वेट को कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आसन कितने प्रकार के होते हैं। आसन तीन प्रकार के होते हैं। ध्यानात्मक आसन, जब आप कोई ध्यान करते हैं तो आप ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन। दूसरा होता है इस तरह से वज्रासन, और तीसरा होता है सिद्धासन। दूसरा होता है विश्रामदायक आसन। विश्रामदायक आसन, हम जब आसन करते हैं तो उनके बीच बीच में थोड़ा विश्राम करने के लिए करते हैं, ताकि हम नए आसनों के लिए फिर से रेडी हो सके। विश्रामदायक आसन भी हम चार तरीके से करते हैं। पहला होता है शवासन, जब हम पेट के बल आसन करते हैं तो उसमें हम इस तरह से मकरासन में विश्राम करते हैं, और जब हम बैठकर आसन करते हैं तो इस तरह से बैठकर विश्राम करते हैं, दंडासन में, और जब हम खड़े होकर आसन करते हैं तो इस तरह से खड़े होकर दंडासन में विश्राम करते हैं। और तीसरा होता है शरीर संवर्धनात्मक आसन। शरीर संवर्धनात्मक आसन मतलब होता है शरीर से संबंधित आसन। इन्हीं आसनों को करने से हमारा वेट लॉस भी होता है और वेट गेन भी होता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि सेम आसन करने से ज़्यादा वेट वालों का वेट कम कैसे होता है और कम वेट वालों का वज़न ज़्यादा कैसे होता है। तो योग करने से हमारी बॉडी में बैलेंस आता है, और बैलेंस कैसे आता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। और शारीरिक रूप से बैलेंस कैसे आता है, जब आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो शरीर की रिक्वायरमेंट और व्यक्ति की कद काठी के हिसाब से वेट मैनेज हो जाते हैं। और ये तभी होता है जब आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं। जब आप आसन करते हैं तो उन्हें होल्डिंग के साथ और टाइम के साथ करते हैं, एक सिक्वेंस में करते हैं, तभी आपको आसनों का पूरा फ़ायदा मिलता है। और जब भी आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो उनसे आपके मसल स्ट्रेच होते हैं, जो स्टिफ मसल हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और फिर उन फ्लेक्सिबल मसल से ही आपका फैट बर्न होता है। जब भी हम आसन करते हैं तो उन्हें हम कॉम्बिनेशंस के साथ करते हैं। आसन और एक्सरसाइज में यही फ़ायदा होता है कि आसन हम वेट लॉस के साथ साथ बीमारी में भी कर सकते हैं, और एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है। जब हम आसन करते हैं तो उससे हमारा वेट लॉस तो होता ही है, साथ में हमें बीमारियों में भी फ़ायदा होता है। आसन करने से आपका वेट लॉस कैसे होता है, जब हम आसन करते हैं तो उससे आपके शरीर में दबाव, खिंचाव और आपके शरीर की ट्विस्टिंग होती है, इससे आपका वेट लॉस होता है, आपके मसल स्टोन होते हैं। और साथ ही साथ हम बीच बीच में विश्रामदायक आसन भी कराते हैं, जिससे आप एक नए आसन को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आज की हमारी थीम है वेट लॉस, और आज मैं आपको इसका एक सीक्वेंस बताने जा रही हूँ कि हमें आसनों को किस सीक्वेंस में करना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन के साथ करना चाहिए, और उनके काउंटर पोज मतलब उनके विपरीत आसन के साथ करना चाहिए, तभी आपके शरीर को पूरा फ़ायदा मिलता है। और ये आसन वही लोग करें जो चाहते हैं कि वो आगे बीमार ना हो, उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहें, और जिन्हें हाई बीपी, हर्निया, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल जैसी कोई दिक्कत ना हो, जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और जो वेट गेन भी करना चाहते हैं। हम करेंगे सबसे पहले उत्तान पादासन। पीठ के बल करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर मिले हुए, हाथ साइड में। अब धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, 45 डिग्री पर लेकर आएंगे, होल्ड रहेंगे थोड़ी देर, ब्रीदिंग नॉर्मल, धीरे से जाएंगे वापस। अब करेंगे हम शवासन, दोनों पैरों में डेढ़ से दो फिट का फासला, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियाँ आसमान की तरफ। लंबा गहरा श्वसन करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे से एक्सहेल करेंगे। अब करेंगे हम अर्धालासन, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। अब उठाएंगे हम पैरों को धीरे से 30 डिग्री पर, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, 45 डिग्री पर रुकेंगे कुछ सेकंड, 60 डिग्री पर, यहाँ भी कुछ सेकंड रुकने के बाद जाएंगे 90 डिग्री पर, यहाँ भी आपको कुछ सेकंड होल्ड करना है। अगर आप पैरों को नहीं रख सकते 90 डिग्री पर शुरुआत में, तो आप अपने हाथों से पैरों को होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे से जाएंगे हम 60 डिग्री पर,
then 45 degree, then 30 degree, then down. करेंगे शवासन कुछ सेकेंड का. आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 30 डिग्री पर 5 सेकेंड होल्ड किया है तो 45 डिग्री 60 डिग्री पर भी 5 सेकेंड होल्ड करना है. पर जब 90 डिग्री पर जाते हैं तो उसका डबल मतलब 10 सेकेंड होल्ड करना है. वापस भी हमें वैसे ही आना है. जब हम आसनों को होल्डिंग के साथ और टाइम के साथ करते हैं तो ही हमारे शरीर को पूरा लाभ मिलता है. अब हम करेंगे भुजंग आसन. दाई करवट लेकर हम आएंगे पेट के बल. पेट के बल करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, आपकी जो चिन है वो ज़मीन पर. अब धीरे धीरे आपके हाथों को आप चेस्ट के पास लेकर आएंगे. कोहनियों की जो आपकी आकृति है वो आसमान की तरफ. फोरहेड, नोज और चिन को टच करते हुए हम उठेंगे थोड़ा सा ऊपर. नाभि तक का भाग ऊपर उठाएंगे. कोहनियाँ मुड़ी हुई ऊपर की तरफ देखेंगे. होल्ड रहेंगे थोड़ी देर. आपका वज़न आपके हाथों पर नहीं आना चाहिए. कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे से आएंगे हम वापस. पेट के बल करने वाले आसनों का विश्रामदायक आसन करेंगे मकरासन. पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ. हाथों को क्रॉस पोजीशन में रखेंगे. उल्टा हाथ सीधे कंधे पर, सीधा हाथ उल्टे कंधे पर. चिन को लगाएंगे दोनों हाथों के क्रॉस पॉइंट पर. लंबा गहरा श्वसन करेंगे, आंखें बंद रखेंगे. अब हम करेंगे पवन मुक्तासन. फिर से दाई करवट लेके पीठ के बल आएंगे. पीठ के बल करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में. दोनों पैरों को हम धीरे धीरे उठाएंगे, घुटनों से मोड़कर चेस्ट की तरफ लाएंगे. दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाकर घुटनों से थोड़ा नीचे रखेंगे. घुटनों को प्रेस करेंगे चेस्ट की तरफ. गर्दन उठाएंगे, चिन को लगाएंगे दोनों घुटनों के बीच में. कुछ सेकेंड होल्ड रहेंगे. ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस को रोकना नहीं है आपको. कुछ सेकेंड होल्ड रहने के बाद हम वापस जाएंगे. धीरे से फिंगर लॉक खोलेंगे. पैरों को धीरे से नीचे की तरफ रखेंगे. फिर करेंगे हम शवासन. लंबा गहरा श्वसन करेंगे. डीप इनहेलेशन और लॉन्ग एक्सहेलेशन करेंगे ताकि हम खुद को एक नए आसन के लिए तैयार कर सकें. अब हम करेंगे धनुरासन. फिर से हम दाई करवट लेकर पेट के बल आएंगे और पेट के बल करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे. धीरे से हम अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे. हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ेंगे. अच्छे से होल्ड करेंगे पैरों को. धीरे से पैरों को उठाएंगे, आगे से गर्दन उठाएंगे, धनुष जैसी आकृति बनाएंगे. थोड़ी देर रुकेंगे इसी पोजीशन में. फिर आएंगे हम धीरे से वापस. धीरे से हाथों को छोड़ेंगे, पैरों को नीचे रखेंगे. फिर करेंगे हम मकरासन में विश्राम. उल्टा हाथ सीधे कंधे पर, सीधा हाथ उल्टे कंधे पर. चिन हम क्रॉस पॉइंट पर रखेंगे अपने हाथों की. लंबा गहरा श्वसन करेंगे ताकि हम खुद को एक नए आसन के लिए तैयार कर सकें. अब करेंगे हम नौकासन. फिर से दाई करवट लेकर हम पीठ के बल जाएंगे. पीठ के बल करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे. हम कर रहे हैं नौकासन. हाथों को, सिर को और पैरों को हम धीरे से एक साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे. नाव जैसी आकृति बनानी है. आपका फोरहेड, हाथ और पैरों के अंगूठे एक सीध में होनी चाहिए. कुछ सेकेंड रुकेंगे, श्वास नॉर्मल. धीरे से जाएंगे हम वापस. करेंगे हम शवासन. कुछ सेकेंड शवासन में रुकेंगे. लंबा गहरा श्वसन करेंगे ताकि हम फिर से खुद को एक नए आसन के लिए तैयार कर सकें. अब करेंगे हम विपरीत नौकासन. फिर से हम पेट के बल करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे. दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, चिन ज़मीन पर.
दोनों हाथों को धीरे से रब करते हुए सामने की तरफ लाएंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे। अब हमें दोनों पैर और दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाने हैं। धीरे से हम दोनों हाथों को, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जितना आपसे हो सके उतना ही ऊपर उठाएंगे, खुद को ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। कुछ सेकेंड होल्ड रहेंगे, फिर आएंगे हम धीरे से वापस। पेट के बल करने वाले आसनों का विश्रामदायक आसन करेंगे, मकरासन। लंबा गहरा श्वसन करेंगे। आपके शरीर में कहाँ खिंचाव, कहाँ दबाव आया है उस पर ध्यान देंगे, ताकि हम खुद को नए आसन के लिए तैयार कर सकें। अब हम करेंगे शलभासन। ये भी पेट के बल रहकर ही किया जाता है। पहली पोजीशन में आएं, हाथों की मुट्ठी बनाई, अंगूठे अंदर की तरफ। दोनों हाथों की मुट्ठी को थाइस के नीचे रखेंगे। अब आपको आपके सिर्फ पैर उठाने हैं, चिन ज़मीन पर ही रखनी है। जितना पॉसिबल हो उतना ऊपर आपको पैर उठाने हैं आपके। कुछ सेकंड होल्ड रहेंगे इसमें भी। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस को रोक कर नहीं रखना है। कुछ सेकंड रुकने के बाद आएंगे वापस। फिर हम करेंगे मकरासन। दोनों पैर पीछे से खुले हुए, दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे। क्रॉस पॉइंट पर चिन रखेंगे। लंबा गहरा श्वसन करेंगे। तो आज हमने देखा कि लेट कर मतलब पीठ के बल और पेट के बल आसन कैसे किए जाते हैं। योग की खास बात यही होती है कि इसमें आप सिस्टमेटिक आसन करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट टू फाइनल पोजीशन में जाना होता है, और फाइनल पोजीशन टू फर्स्ट पोजीशन में आना होता है जब आप स्लोली स्लोली होल्डिंग के साथ, कॉम्बिनेशंस के साथ, टाइम फ्रेम के साथ आसन करते हैं, तभी आपके शरीर को इसका पूरा फायदा मिलता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि बैठकर आसन कैसे किए जाते हैं। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम योग भगाए रोग। तब तक के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। नमस्कार।